एशिया कप हो गया समाप्त, जीत लिया हमने भाई, उठा ली ट्रॉफी। अब अगर इसकी हमें टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनानी, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर बनानी हो, बनती नहीं है पर बनाई जा सकती है, तो वो टीम क्या होगी, उसमें कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन होगा कप्तान, आई मीन इज दैट इवन अ सवाल? चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है और उम्मीद यही है कि आप तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। कल आपने मुझे बहुत सारी हैप्पी बर्थडे की विशेस भेजी, तो थैंक यू सो मच। आज ही है वैसे, ठीक है, मतलब ये मैंने कल खत्म कर दिया अपना जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज तो मैं अलीबाग में मस्ती मारूंगा। पर एनीवे, जरा ये इस मैच की बात, मैच की नहीं, इस टूर्नामेंट की टीम की बात कर लेते, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। सी इसमें क्या हुआ है कि भारतीय टॉप ऑर्डर खासतौर से उतनी बैटिंग ही नहीं आई, नंबर चार पे नंबर पांच पे उतनी बैटिंग नहीं आई, जब आई तो फिर आई उतनी, मतलब दिस इज थोड़ा सा मिक्स बैग रहा है। पर इस वजह से आई मीन दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, जिसमें गालियां पड़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पर है तो है, आई मीन व्हाट कैन आई डू। लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर रोहित शर्मा, ही इज ऑल्सो माय कैप्टन। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आप रन्स आपके सामने हैं, आप देख लीजिए भैया बंदा अच्छे फॉर्म में भी है, अच्छे तरीके से खेले भी हैं। ऑफ कोर्स फाइनल में उन्होंने बैटिंग नहीं की, पर बाकी जहां जहां किए रन्स तो बनाए हैं, एक जरूर डक पे आउट हुए थे, पर उसके अलावा ही इज बीन गुड यार। तो मैंने तो भैया इनको अपनी टीम में रखा भी, अपनी टीम का कप्तान भी बनाया, क्योंकि कप्तान चला है सीना दान, जीत गया है हिंदुस्तान, वाह 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 वाह, खराब था, सॉरी। चलते हैं शुभमन गिल की तरफ। शुभमन गिल इज माय सेकंड ओपनर, और अगर आप थोड़ी नजरें थोड़ा सा घुमा के देखें तो ना इमामुल हक रखेंगे, ना फखर जमान रखेंगे, ना ही आप प्रथम निशंका रखेंगे, ना ही दिमुत करुणारत्ने रखेंगे, ना ही नईम रखेंगे, आई मीन बचा कौन, ना गुरबाज रखोगे, रखोगे कौन, तो फिर यही बचा है, बचा नहीं है, ही इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो शुभमन गिल अगेन विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट इंडियन टू ओपनर्स इस टीम का हिस्सा बनेंगे, और शुभमन गिल की तारीफ में तो एक्चुअली थोड़े कसीदे पढ़ने चाहिए, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी की है बंदे ने यार, जो 100 बनाया, लूजिंग कॉस्ट बट आउटस्टैंडिंग रन्स ही स्कोर्ड यार, 50 पाकिस्तान के खिलाफ भी बनाया था, नेपाल के खिलाफ भी नाबाद रहे थे, इज गुड यार, रख लो नाम। अब तीसरे इस नंबर पे जो थी लड़ाई, इस पे लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी, नहीं गुंडागर्दी तो नहीं, खून खराबा हो सकता है, पर खून खराबा मत करना प्लीज, क्योंकि इसमें मैंने विराट कोहली का नाम नहीं रखा है, मैंने रखा है कुशल मेंडिस का नाम, फॉर अ सिंपल रीजन यार, रन बहुत बनाया कुशल ने, अब कुशल को मौका बहुत मिला है, बहुत ज्यादा बैटिंग की है, पर अब कैसे 350 रन को छोड़ दोगे यार, जब इतने कोई रन बनाता है, उस नंबर पे बैटिंग करते बनाता है, टीम को फाइनल तक ले जाता है, तो यू हैव टू पिक हिम। तो कुशल मेंडिस इज इन माय टीम, इज नॉट माय कीपर बट ही इज इन माय टीम, तो कुशल मेंडिस मेरी टीम का हिस्सा है भैया, और विराट कोहली इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो ये पता नहीं इस टीम की बदकिस्मती है या फिर क्या ही बोलूं, क्योंकि नहीं है, ही कैन नॉट बी इन दिस टीम, क्योंकि कुशल मेंडिस ने ज्यादा रन बनाया बैटिंग एट नंबर 3, सो ही फाइंड्स अ प्लेस इन द साइड। चौथे नंबर पर केएल राहुल रखा है मैंने, अब केएल राहुल ने जिस प्रकार की बैटिंग की है, 100 इन्होंने बनाया, उसके बाद रन कंसिस्टेंटली बनाते रहे हैं, थोड़े थोड़े रन बनाए हैं, 30 रन 32 रन ऐसे करके रन है, इन द टॉप 5-7 रन गेटर्स, आपको इनका नाम भी दिख जाएगा। तो ये तो नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, तो उस नंबर पे बैटिंग करके अगर आपका नाम आ जाता है उस टीम के अंदर, तो फिर और सारे मैच तो ये भी नहीं खेले, लेट्स बी फेयर कि सारे मैच नहीं खेले, शुरुआती 2 मुकाबलों में उपलब्ध नहीं थे, उसके बाद इंजरी के चलते मौका मिला था, एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। सो केएल राहुल का नाम इस सूची में मैंने डाल दिया, ही इज इन माय टीम, किसी को प्रॉब्लम हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 5 नंबर पे मैंने रखा है मोहम्मद रिजवान को। अब रिजवान क्या है कि ना, T20 में तो देखो ओपन करते हैं, रन्स बनाते हैं, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, इस वाले टूर्नामेंट में एशिया कप में ही इज डन वेल, इन्होंने अच्छी बैटिंग की है और कंसिस्टेंटली की है, इनके आप अगर औसत देखें, रन्स देखें, आप इनको बाहर नहीं रख सकते, उनको कीपिंग भी करा दी मैंने, आई मीन कीपिंग किसी से भी करा लो, कुशल से करा लो, केएल से करा लो, रिजवान से करा लो, इनमें एक्चुअली सबसे बेहतर कीपर शायद कुशल होंगे, पर बाकी लोगों से किसी से करा लो, फील्डिंग यार 3 कीपर हो गए भाई, नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, ये सारे अपने अपनी टीमों के कीपर थे, और बैटिंग के चलते इनको रखा है मैंने, कीपर एज अ कीपर इनमें से किसी को नहीं रखा है, तो कोई भी जिसका मन करे आपस में पुगम बुगाई कर लेना और एक कीपिंग कर लेना, ठीक है भैया। एट नंबर 6 आई हैव गॉट इफ्तिकार। नाउ यहां पे हार्दिक पंड्या हो सकते थे, इसमें विदाउट डाउट हार्दिक पंड्या हो सकते थे, 3 विकेट इन द फाइनल्स, रन अगेंस्ट पाकिस्तान, पर मैंने हार्दिक का नाम नहीं रखा है, मैंने इफ्तिकार का रखा है, क्योंकि एट नंबर 6 इफ्तिकार का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, चाहे वो 100 की बात करें, छोड़ नेपाल के खिलाफ आया था पर 100 आया था, उसके बाद भी रन्स बनाए हैं, फिर 3 विकेट मुश्किल मैच में निकाले हैं, जहां पे ऑलमोस्ट जिता दिया था टीम को, आई एम गोइंग विद इफ्तिकार एज माय नंबर 6 बैटर, तो मैंने उनको अपनी इफ्ती चाचा को मैंने अपनी टीम में नंबर 6 का स्थान दिया है। नंबर 7 पे कौन है, नंबर 7 पे दुनित वेला लागे, वेला लागे लागे रे बावरे। अब इनका नाम होना तो मुझे लग रहा है वैसे भी मैंडेटरी है, क्योंकि यहां पे मैं किसी और को नहीं ढूंढ पा रहा हूं, मैं जड्डू को नहीं रख सकता हूं,
मैं अक्षर को नहीं रख सकता हूँ, मैं शादाब खान को तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूँ, शाकिब अल हंस को मैं इतनी नीचे बैटिंग करने के लिए नहीं रखूंगा, तो बचा कौन यार, मतलब ही हैज टू बी देयर। राशिद खान के बारे में सोचा पर टीम आगे नहीं गई थी, तो मैं तो रख दिया है, मैंने तो रख दिया है दुनित वेला लागे का नाम। बैटिंग में रन भी बनाए हैं जहां जितनी जरूरत थी, भारत के खिलाफ 5 विकेट भी ली हैं, कंसिस्टेंटली ही इज डन वेल, सो ही इज इन माई साइड। और अगर आप टीम बनाने की कोशिश करोगे तो वो भी आपकी टीम में भी होंगे। नंबर 8 आई गॉट शाहीन शाह अफरीदी। अब शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से भारत की शुरुआत में मैच पूरा नहीं हुआ था पर खोल दिया था यार, 3 विकेट ली थी, श्रीलंका वाला मैच जो ये हारे थे उसमें भी ये मैच में टीम को वापस लेकर आए थे, बैटिंग भी ये कर लेते हैं उतनी शायद आई नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छी की थी, बोलिंग उन्होंने अच्छी की है यार, एक भारत के खिलाफ मुकाबले में बहुत पिटाई हुई है लेकिन गेंदबाजी अच्छी की है, तो कुल मिला के इस खिलाड़ी का नाम इस टीम में होना जरूरी है। तो शाहीन शाह अफरीदी इज इन दैट टीम। उसके बाद कुलदीप यादव, देखिए कुलदीप यादव तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, अब इसमें तो कोई चर्चा भी नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रोक दो मत करो क्या करो भाई, हाईएस्ट मतलब अलग लेवल की गेंदबाजी की है, 2 मैच में 9 विकेट चटका दिए थे, ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, तो उनका टीम में नाम आना इज मैंडेटरी, सब चीजें बाद में, कुलदीप यादव का नाम टीम में होना जरूरी है। एट नंबर 10 आई हैव गॉट पथिराना, मथीश पथिराना मेरी टीम में है, विकेट टेकिंग की लिस्ट में एकदम, देखिए आप पहाड़ पे हैं, एकदम चोटी पे हैं, पहाड़ पे नहीं, पहाड़ पे तो सारे हैं पर चोटी में हैं ये, मथीश पथिराना का नाम होना टीम में जरूरी है। इंडिया के अलावा हर मैच में अच्छा किया उन्होंने, इंडिया के अगेंस्ट थोड़ी सी इनकी पिटाई हुई है पर इंडिया के अलावा जब जब गेंदबाजी की उन्होंने विकेट चटकाए हैं, टीम को गेम में रखा है, विकेट चटकाए हैं, जहां जरूरत थी वहां तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया पाकिस्तान के खिलाफ, सो मथीश पथिराना इज इन माय साइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 11 पे फाइनल से पहले तक हारिस रॉफ का नाम मैंने रखा था, लेकिन जैसे ही फाइनल मैच आता है तो सिराज नाम का तूफान आता है, आज तूफान आएगा सबको उड़ा के ले जाएगा, मोहम्मद सिराज का नाम इस टीम के अंदर अंत में मैंने डाला है। तो ये हो गई मेरी 11। अब 11 इस प्रकार की, रोहित शर्मा कप्तान एंड ओपनर, शुभमन गिल विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, कुशल मेंडिस अगेन विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, केएल राहुल, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, दुनित वेला लागे, शाहीन अफरीदी, कुलदीप यादव, मथीश पथिराना एंड मोहम्मद सिराज, ये मेरी 11 हैं। आपको इसमें कुछ मतलब बदलाव करने हो, सी ऑनरेबल मेंशंस ऑफ कोर्स विराट कोहली अगर बैटिंग पूरी करते, 3 ही पारियां आई हैं, ज्यादा आती तो मतलब सूची में होते, विराट का नाम ना हो, एशिया कप की आप प्लेयर ऑफ टीम ऑफ द टूर्नामेंट बना रहे हो एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां इन्होंने 100 भी बनाया हो, होता नहीं है पर नहीं है यार। और हार्दिक पंड्या अनदर नेम जो इज गॉन मिसिंग, वो भी आप रख सकते हैं मतलब ऑनरेबल मेंशंस के साथ। शाकिब अल हसन इन दी एंड एक्चुअली केम टू द पार्टी, पहले के कुछ मुकाबले तो बहुत ही ठंडे रहे थे, शांतो अगर पूरा खेलते तो, शांतो मैच कम खेले एक्चुअली इंजर्ड हुए, मतलब शांतो का नाम भी यहाँ पे बनता था, मतलब हृदय का नाम भी यहाँ पे आपको ऑनरेबल मेंशंस में डाल सकते हैं, पर जो मेरी 11 है मैंने तो आपके साथ शेयर कर लिया है, आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, भर दीजिएगा, मतलब आज बर्थडे गाली कम देना यार, क्योंकि वो भी कोहली की फैन आर्मी आएगी और उड़ाना शुरू करेगी, पर डू अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड, कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयास कीजिए और उसके साथ आगे की तरफ चलिए। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा, और आज हैशटैग आकाशवाणी ऑन जियो सिनेमा पे शुभमन गिल का हमने बहुत अच्छा सा इनसाइडर किया है, भाई खेलता कैसे इतना अच्छा यार, तो वो डू चेक इट आउट ऑन जियो सिनेमा। और कल जियो सिनेमा पे एक्चुअली शिवम दुबे का इंटरव्यू भी आएगा, एक्चुअली पिछला वाला जो इंटरव्यू है जियो सिनेमा ने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल भी दिया, तो डू चेक दैट आउट एंड डू चेक इट आउट टुमारो, वो जब शिवम दुबे का पार्ट 2 ऑफ द इंटरव्यू आएगा। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।